तो मेरे चैनल मिकाइल अली ब्लॉग में आपका वेलकम है। तो ना मैं मुझे से पढ़ता हूँ, तो कुरान पढ़ते पढ़ते ना मेरा गला ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे व्यूवर्स को आवाज़ नहीं आती होगी। तो फिर पापा जी ने मुझे ये माइक गिफ्ट कर दिया कि ना इसमें ना आप बोला करो, फिर आवाज़ आया करेगी। अभी मैंने माइक पहना हुआ है, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो कमेंट में बताना, और अगर आपको माइक अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल मिकाइल अली ब्लॉग को सब्सक्राइब करना। तो ये इसका बॉक्स है, हमने अनबॉक्सिंग कर ली थी इसकी माइक की। ये माइक का बॉक्स है, मैंने अगर आपको आवाज़ अच्छी आ रही है तो कमेंट में बताना, फिर हम इससे रोज़ वीडियो बनाया करेंगे। तो सबसे मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नहीं यार, अल्लाह हाफिज़ अभी नहीं यार। हाँ? आप ऐसा करें ना, आप मुझे मेरी बात का जवाब तो देना। हाँ जी। आपके मदरसा की रूटीन क्या है? सुबह कितने बजे उठते हो? उधर मदरसा में पढ़ने जाते हैं। मदरसा का नाम क्या है? यहाँ तक मुझे याद है ना, आपका मदरसा जामिया फरीदिया शौकत इस्लाम लारी अड्डा तानने वाला है। और आपके मदरस का नाम क्या है उस्ताद का? कारी साहब का नाम क्या है? कारी साहब का नाम करियामिर साहब। करियामिर साहब फरीदी, ठीक, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। तो अच्छा, जब आप फजर के बाद जो है फजर की नमाज वहाँ पढ़ने जाते हैं तो रात को सर्दी तो लगती होगी आपको? लगती है। तो फिर वहाँ से पढ़ के आके फिर आप कितने बजे छुट्टी होती है? 5:10 पे छुट्टी होती है। फिर क्या शेड्यूल है आपका? फिर आके रेस्ट करनी है। ब्रेकफास्ट की, ब्रेकफास्ट की छुट्टी होती है आपको? हाँ जी। फिर 7:50 पे जाना है दोबारा। 7:50 पे दोबारा जाना है। तो फिर वो आपकी वो जो क्लास होती है 7:50 पे, तो उसके दौरान आप सबकी याद करते हैं या सबक सुनाते हैं? बारह सुनाते जो हमारा रह जाते हैं, फिर दोपहर को सबकी सुनाते हैं। दोपहर को कब छुट्टी कब होती है? फिर ज़ोर टाइम जाते हैं और असर टाइम छुट्टी हो जाती है, तब आप सबक सुनाते हैं आप अपना? हाँ जी। अच्छा, फिर असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर छुट्टी होती है? हाँ जी। का यानी कि क्या टाइमिंग है फिर असर के बाद? फिर मगरिब टाइम जाने और इशा टाइम छुट्टी, मगरिब से इशा तक। तो फिर आपने याद करना सबक अपना, फिर इशा के बाद आपको छुट्टी होती है, अटेंडेंस लगती है फिर? हाँ जी। बहुत ही माशाल्लाह, बहुत कोशिश कर रहे हैं हम। मैं आपको के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आप अपने कुरान शरीफ हिफ्ज करने में अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। और आप अपने व्यूवर्स को भी बोल दो ना फिर, वो आपके लिए दुआ गो हो कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। और अपने चैनल के बारे में बताओ आप ही। मेरा चैनल जी मिकाइल अली व्लॉग, उसमें क्या? उसमें यही है ना कि फिर आपने फिर जो है व्यूवर्स को कहना है ना, बताएं आप अपने व्यूवर्स को कि इसलिए मेरे पास टाइम शार्ट होता है, मैं सिर्फ यही मेरे पास जो ब्रेक का टाइम होता है उसमें वीडियोस बनानी होती है। एक सरप्राइज दिखाने व्यूअर्स को। क्या? कि मैंने ना एक वीडियो बनाने के लिए और चीज रखी है, गैजेट। क्या? दिखाता हूं। दिखाएं लाकर हमें। ये कैमरा। वाओ, बैठ के दिखाओ ना फिर, हमें भी नजर आए ना। वाओ जबरदस्त यार,
वेल डन, इसका रिजल्ट दिख रहे हैं? हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, वो अपलोड हो नहीं सकती, वो फिर आप डाटा केबल लगाना ना। मैं दिखाता हूँ। लैपटॉप के साथ लगाओगे ना डाटा केबल? ये थोड़ा सा पीछे करो, फिर थोड़ा सा नजर आएगी। ठीक से साफ सफा, रोशनी पड़ रही है ना इसलिए साफ नजर नहीं आ रहा। नहीं क्लोज कर दो फिर आप। ठीक है, आप अपने व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं और नए आने वाले सब्सक्राइब के लिए क्या पैगाम है आपका? मैं कहता हूँ मैंने ना कुछ दिनों बाद ना व्लॉग इससे बनाए करने। अच्छा, तो और मैसेज क्या है आपका व्यूवर्स के लिए और व्लॉग के लिए? मेरा ये है कि मुझे जब छुट्टी होती है मदरसे से ब्रेक टाइम, तब मैं फिर व्लॉग बना लेता हूँ। नहीं तो फिर अगर कुछ ज़्यादा थकान हो तो फिर मैं छुट्टी वाले दिन बना लेता हूँ, थर्सडे को फ्राइडे को। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।